हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी बायोलॉजी विद अविनाश में। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस तक पढ़ लिया था, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्रोमोजोम। तो देखते हैं क्रोमोजोम होता क्या है। तो क्रोमोजोम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये क्या होता है? तो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम पाया जाएगा। वी न्यूक्लियस के किस पार्ट में को कहते हैं? तो क्रोमेटिन में होता है। विच कैरी द जीनेटिक इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद जीनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल और वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या करता है? तो अपने साथ जीनेटिक मटेरियल को रखता है जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है, और उसके बाद कह सकते हैं कि एक जनरेशन जैसे फादर है तो फादर से सन में, सन के बाद उसके सन में क्या करता है? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते रहता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। उसके बाद देखते हैं, इट वाज डिस्कवर्ड बाय नेगली इन 1842। इसका डिस्कवर किसने किया था? तो नेगली ने किया था। कब? तो 1842 में किया था। उसके बाद द टर्म ऑफ क्रोमोजोम क्वाइंड बाय वेलेडियर, ये जो क्रोमोजोम वर्ड जो है सबसे पहले किसने किया था इसको डिस्क्राइब? तो वेलेडियर ने किया था इन 1888 AD में किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है सो फिक्स नहीं होता है, फिक्स है नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है फिक्स है एंड कॉन्स्टेंट है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। यानी जिस ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम फिक्स्ड होता है, उससे अलग नहीं हो सकता है। जैसे हम अपना ह्यूमन में देखते हैं, मतलब अपने में देखिएगा आप, ह्यूमन में कितना क्रोमोजोम होता है नंबर ऑफ, तो 46 होता है। उसी प्रकार से गोरिल्ला में देखिएगा, गोरिल्ला में 60 होता है, पिजन में 80 होता है। यानी डिफरेंट जीव में अलग होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। मान लीजिए एक हमारे में 46 है, तो हमारे मतलब हमारे सेल में क्रोमोजोम जो है सो 46 है, तो आप में भी क्रोमोजोम क्या होगा? 46 ही होगा। उसके बाद देखते हैं फिर एस में कितना होता है, तो एस में 62 होता है। उसके बाद डॉग में मतलब उसके बाद देखते हैं हॉर्स में, तो हॉर्स में क्या है, तो 64 होता है। इसी तरीका से हमारे में ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम फैला हुआ है। देखते हैं कि ह्यूमन में क्या है, तो 46, तो ह्यूमन 46 है, तो सारे ह्यूमन में 46 ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा। गोरिल्ला 60, यानी कांस्टेंट रहता है और फिक्स है कि ह्यूमन में इतना ही क्रोमोजोम होगा, 47 क्रोमोजोम नहीं हो सकता है ह्यूमन में। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम पे। तो क्रोमोजोम कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रोमोजोम जो है सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर देयर आर 4 टाइप्स। सेंट्रोमियर क्या होगा? तो जैसे ये क्रोमोजोम मान लीजिए, और यहाँ जो बीच में ये है, ये हुआ सेंट्रोमियर। यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ On the basis of position of centromere, there are 4 types of chromosome. First is metacentric chromosome, and second is submetacentric chromosome, fourth is acrocentric chromosome, and fifth is telocentric chromosome. अब हम जो है सो एक एक करके सारे को डील करेंगे।